फाइव मोस्ट शॉर्टकट की बताऊंगा एमएस वर्ड की, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो पहला शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल शिफ्ट एच। कंट्रोल शिफ्ट एच का यूज हम कब करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये रिपोर्ट लिखा हुआ है, ये कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट एच प्रेस करेंगे, वैसे ये डाटा ये आपका हाइड हो जाएगा, यानी आपने जो भी रिपोर्ट बनाया हुआ है उस रिपोर्ट को आप हाइड करना चाहते हैं, और उसको दोबारा से अगर निकालना चाहते हैं यानी उसको अनहाइड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एच दोबारा से आपको प्रेस कर देना है, तो ये दोबारा से अनहाइड भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट शॉर्टकट पे चलते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपका शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 का यूज हम कब, जैसे कि आपका ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, मुझे इसको कैपिटल में करना है पूरा, तो कैपिटल में करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे F3 शिफ्ट के साथ F3 दबाने के बाद आपका पूरा ये कंटेंट कैपिटल में हो चुका है, और मुझे इसको लोअर केस में करना है, तो फिर दोबारा से शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे, तो ये लोअर केस में हो चुका है, और मुझे इसको सेंटेंस केस में करना है, तो फिर दोबारा से आपको शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, तो ये सेंटेंस केस में हो चुका है। और ये जो शॉर्टकट की है, ये चेंज केस की शॉर्टकट की होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की पे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल शिफ्ट W। तो कंट्रोल शिफ्ट W से हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये कंटेंट लिखा हुआ है, प्रत्येक वर्ड के नीचे मुझे अंडरलाइन लगाना है, तो अंडरलाइन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ए करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट W प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये प्रत्येक वर्ड के नीचे अंडरलाइन आ चुका है, और मुझे इस अंडरलाइन को मैं हटा देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट W दबाया, ये अंडरलाइन हट गया, और मुझे डबल अंडरलाइन लगाना है, तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी डबल अंडरलाइन के लिए, कंट्रोल शिफ्ट D आप प्रेस करेंगे, तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस D। तो इस की से क्या होता है, किसी भी कंटेंट के नीचे डबल अंडरलाइन लगाना है, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट D प्रेस करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल शिफ्ट D लगाने के बाद ये डबल अंडरलाइन लग चुका है, और इस अंडरलाइन को आप हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट D प्रेस करेंगे, तो ये हट भी जाएगी। और नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल U। कंट्रोल U शॉर्टकट की का यूज हम कब करते हैं, किसी भी सिंगल लाइन लगाने के लिए किसी भी कंटेंट के नीचे। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।